जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को एक ट्रक पर शक होने पर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के पिछले हिस्से में 38 महिला पुरुष के साथ बच्चे भी बैठे मिले। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है कि थोड़ी देर बाद ही दूसरा ट्रक भी पकड़ा गया जिसमें 20 से ज्यादा महिला पुरुष और बच्चे बैठे हुए थे और ये सभी मुरादाबाद की आदर्श कॉलोनी के निवासी थे जो मुंबई में मजदूरी करते थे। पुलिस ने दोनों ही ट्रक को अपने कब्जे में लेकर एक पार्क में पहुँचाया है और वहाँ सभी लोगों को एक एक ट्रक से उतार कर उनका नाम नंबर नोट किया गया। सूचना पर ACM राजेश कुमार भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने सभी से पूछताछ की। पूछताछ में ट्रक में छुपकर आए लोगों ने बताया कि वह मुंबई में काम करते थे और मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से वहां उनके आगे काफी परेशानी आ गई, कोई कुछ खाने को भी नहीं देता था, उल्टा पुलिस वाले मारते थे। इस वजह से वह जैसे तैसे अपने शहर मुरादाबाद वापस पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर सभी लोगों का चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया है। अगर मुंबई से ट्रक में छिपकर आए इन लोगों में कोई भी कोरोना संदिग्ध हुआ तो सबको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बहरहाल मुरादाबाद में महाराष्ट्र से दो ट्रक में छिपकर लोगों के आने की सूचना से हड़कंप मच चुका है। मुरादाबाद में अभी तक कोरोना के 147 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं जिनमें 9 की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है और फिलहाल मुरादाबाद अभी रेड जोन में भी शामिल है। मेरा नाम किशन सिंह है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मीरा रोड। वहाँ से हम लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे हम काफ़ी दिनों तक फंसे रहे, बहुत परेशान रहे क्योंकि वहाँ पे सफ़र खाने पीने की परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि घर निकलते क्योंकि पैसा भाई किसी के पास बचा नहीं था, सब परेशान थे। तो फिर हम वहाँ से पैदल निकले, वहाँ से पैदल निकल के जैसे जैसे ग्वालियर पहुँचे, ग्वालियर से हमें एक ट्रक मिला, ट्रक वाले ने हमारी बहुत सहायता करी, उसने हमको बिठाया, वहाँ से हम जैसे तैसे छोटे मोटे बच्चे लेके जैसे तैसे हम आ गए। अभी हम यहाँ से आके थक गए थे तो हम जांच कराने जाते, जांच वहाँ से हम ऑलरेडी करा के आ चुके हैं, अभी हमको यहाँ भी करानी है। तो हम जैसे अब यहाँ पे आ गए, मैडम ने हमको चाय वाय नाश्ता वास्ता सब कराया, हमें कोई परेशानी हुई। हम यहाँ पे 34 मेंबर हैं, हम यहाँ पे बच्चे समेत 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा महाराष्ट्र के हाल बहुत बुरे हाल है, तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी बनाना पड़ेगा जब भी हमारी यूपी सही रहेगी। जहाँ हम रहते हैं ये भी एक हमारा परिवार है, हमको यहाँ पे सही रहना है और अच्छे से रहना है, एक दूसरे की देखभाल करनी है, किसी से परहेज नहीं करना है कि वो उसके कोरोना आए तो हम उससे दूर रहें, बड़ों का सम्मान करें, जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको देखभाल करें, उनका पालन पोषण करें, अच्छे से रहें। मैं आदर्श कॉलोनी से हूँ, काशीराम, यहाँ से मैं अब घर जाऊंगा, अपने जांच करा के सीधे हम अपने आप घर जाएंगे। जितने मेरे मेंबर हैं, मेरे साथ मेरी एक बहन है, एक छोटी भांजी है, बाकी ये सब फैमिली है, एक ही गांव के रहने वाले हैं। हम मुंबई से चले थे, जैसे जैसे वहाँ पे परेशानी बहुत थी क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा परेशानी है, लॉकडाउन वहाँ इतना बढ़ चुका है कि वहाँ तो यूपी वाले को ना जाने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। जो लोग वहाँ पे मेरे आंखों के सामने पैदल लोग गए हैं, बच्चे छोटे छोटे कंधों पे टांग के ले गए हैं अपनी अपनी वाइफों को, पैर टूट गए चलते चलते, वो जैसे तैसे घर निकल गए हैं, इतने लोग गए हैं। मेरे यार दोस्त जो हमारे बिल्डिंग के सामने जो काम करते थे वर्कर, वो भी निकल गए हैं। अब हम निकले थे ग्वालियर से, हमको ट्रक मिल गया, वहाँ से हम बैठ के यहाँ तक लोग जो है कुछ ट्रकों में भर के आए हैं, तो 31 एक ट्रक में थे और करीब 24 एक ट्रक में हैं, लगभग 55 लोग हैं। तो इनको हम लोगों ने यहीं पर रोक रखा है, अभी इनका मेडिकल परीक्षण कराएंगे और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इनको जो सिम्टम्स नहीं होगा तो इनको होम क्वारंटाइन कराएंगे और इनके घर पर नोटिस लगाएंगे और अगर जो कोई सिम्टम्स होगा तो इनको आइसोलेट करेंगे, भर्ती अलग से कराएंगे। ये इनके बारे में पता चला कि बॉम्बई से हैं, यहाँ ये आदर्श कॉलोनी में और ये भातु कॉलोनी दोनों जो लगी हुई हैं इसी एरिया के रहने वाले लोग हैं।